हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर लेट कमिंग. हम लोग को मालूम है हम लोग बहुत लेट आए हैं आपके लिए, बट फाइनली वी आर हियर. और हम लोग अब जब आ ही चुके हैं तो आपके लिए लेकर आए हैं बीएड लेसन प्लान्स. तो बीएड के जितने भी लेसन प्लान्स हो सकते हैं उसको हम लोग आज बैठकर डिस्कस करेंगे. तो स्पेशली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ हिंदी और इकोनॉमिक्स वाले जो हैं उनके लिए, या बीएस और इकोनॉमिक्स वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए लेसन प्लान्स. तो बीएड और बीएड से रिलेटेड जितने भी लेसन प्लान्स हैं उस पर हमारा डिस्कशन रहेगा. तो आज की इस लेसन के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मेजर सेक्शन जो पार्ट रहेगा, दैट इज बीएड लेसन प्लान. चलिए तो शुरू करते हैं इस चीज़ को अपने कलीग्स के साथ. एंड हियर वी कम विद द बीएड लेसन प्लान. तो गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान. और हमारा जो पहला लेसन प्लान रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स और बीएस वाले बच्चों के लिए. और उसका आज का टॉपिक है हमारा मुद्रा. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जब लेसन प्लान बनाते हैं हम, तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है दैनिक पाठ योजना. और उसी के साथ कुछ डिटेल मेंशन करनी पड़ती है. हम उस डिटेल के साथ ही चलते हैं, वहीं से शुरू करते हैं. सबसे पहले लिखा जाता है दिनांक, डेट डालनी होती है आपको. देन आपको क्लास डालनी होती है. उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स डालनी है आपको, या बीएस डालनी है. नेक्स्ट रहता है आपका कालांश, कौन से कालांश के लिए आप क्लास दे रहे हो. और उसके बाद मोस्ट जो होता है वो होता है आपका प्रकरण, जिसमें हम लिखेंगे हमारा टॉपिक मुद्रा. अब सबसे पहले जब हम बीएड का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ प्रस्तावना से पहले हम कॉपी के अंदर जब राइट डाउन करना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले एक साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड कॉर्नर की ओर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे और राइट हैंड साइड की ओर लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन. और इसका सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा ज्ञानात्मक. ज्ञानात्मक में हम दो टॉपिक डाल सकते हैं. पहला नंबर वन डाल सकते हैं कि विद्यार्थी मुद्रा के कार्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे. और इसी का सेकंड टॉपिक हम डाल सकते हैं, विद्यार्थी मुद्रा के अध्ययन के बाद मुद्रा के अर्थ, उसके कार्यों एवं उसके प्रकारों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे. तो ये रहेगा हमारा पहला टॉपिक ज्ञानात्मक. सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं. और उसका सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा अवबोधात्मक. अवबोधात्मक में भी हम दो टॉपिक ले सकते हैं. पहला टॉपिक रहेगा विद्यार्थी मुद्रा के कार्यों एवं महत्व की व्याख्या कर सकेंगे. और दूसरा रहेगा विद्यार्थी मुद्रा के अर्थ को समझ सकेंगे. तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा अनुप्रयोगात्मक. और इसको भी हम दो पॉइंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. तो दो पॉइंट के साथ इसको राइट डाउन करेंगे. पहला पॉइंट रहेगा हमारा विद्यार्थी मुद्रा के बारे में आपस में चर्चा कर सकेंगे. और दूसरा रहेगा हमारा विद्यार्थी मुद्रा के अध्ययन के बाद मुद्रा से संबंधित अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फोर्थ कौशलात्मक, जिसको भी हम दो पॉइंट्स के साथ राइट डाउन करेंगे. और हमारा पहला पॉइंट रहेगा विद्यार्थी मुद्रा के अध्ययन के पश्चात इसका उल्लेख चार्ट के माध्यम से कर सकेंगे. और दूसरा रहेगा हमारा विद्यार्थी मुद्रा का प्रदर्शन चित्र से कर सकेंगे. अब हम चलते हैं इसके प्रस्तावना कौशल की ओर, जो हमारा सबसे पहला कौशल है. और जब भी प्रस्तावना कौशल पर हम बात करेंगे तो हमें बच्चों का प्रीवियस नॉलेज देखना होता है कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज कैसा है और बच्चों को टॉपिक पर कैसे लाया जाए. अब बच्चों को टॉपिक पर लाने वाली बात है अगर, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जो है वहाँ से क्वेश्चन को पुटअप करते हुए उन्हीं क्वेश्चन से आंसर निकालते हुए हम नया क्वेश्चन बनाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन के साथ हम हमारे टॉपिक पर आएंगे. चलो देखते हैं आज का हमारा मुद्रा के ऊपर टॉपिक कैसे बन सकता है या प्रस्तावना के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना के साथ. प्रस्तावना का पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा इस तरह से रहेगा मुद्रा के ऊपर. आपको पूछना है या लिखना है, बच्चों हम ड्राइंग बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं. देन बच्चों का आंसर आ जाएगा हमारे पास कि मैम हम ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, ब्रश एक्सेट्रा, कलर पेन का यूज कर सकते हैं.
देन उसी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनना चाहिए कि इन वस्तुओं को हम खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं। तो इसी से फिर हमारा आंसर मिलेगा बच्चों के साथ कि इन वस्तुओं को खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। चलिए, दो क्वेश्चन आ गए हमारे और दो क्वेश्चन के आंसर भी आ गए हैं। इसी क्वेश्चन से हम तीसरा क्वेश्चन बना लेते हैं कि जब व्यक्ति बाजार में वस्तुएं खरीदने जाता है तो वस्तुओं की मांग किनसे करता है। तो बच्चों का आंसर आएगा कि मैम दुकानदार से करते हैं। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया हमें कि दुकानदार से वस्तुओं की मांग की जाती है। इसी से हमारा चौथा क्वेश्चन जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि दुकानदार वस्तुएं देने के बदले में हमसे क्या मांग करता है या हमसे क्या मांगता है। तो इसका आंसर मिलेगा कि दुकानदार जब हमें वस्तुएं देता है तो उसके बदले में हम उन्हें पैसा देते हैं। ठीक है, चार क्वेश्चन आ गए हैं। वैसे प्रस्तावना में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, वैसे 4 के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम टॉपिक पर आए नहीं हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर कि इन पैसों को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। तो ऑब्वियस है, बच्चों का इतना नॉलेज तो होगा कि बच्चे आंसर दे पाएंगे, और बच्चों का यहाँ से आंसर आ जाता है कि पैसों को अर्थशास्त्र में रुपया और रुपये को मुद्रा कहा जाता है। और यहीं से हमारा लास्ट द लिस्ट क्वेश्चन, मुद्रा किसे कहते हैं, आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के मुद्रा के ऊपर प्रस्तावना के क्वेश्चन। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। पहला, बच्चे अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, स्केल, शार्पनर, स्केच पेन वगैरह, कलर पेन वगैरह एक्सेट्रा। उसी से हम सेकंड क्वेश्चन आएंगे, इन वस्तुओं को खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं, तो हमारा आंसर आएगा बाजार। नेक्स्ट, इन वस्तुओं को बेचने कौन बेचता है, तो दुकानदार बेचता है। चौथा, दुकानदार इन वस्तुओं को देने के बदले में हमसे क्या मांग करता है, पैसों की, और पैसों को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में या अर्थशास्त्र की भाषा में किस नाम से जानते हैं, रुपये या मुद्रा के नाम से। और यहीं से हमारा क्वेश्चन का टॉपिक आ जाएगा, मुद्रा किसे कहते हैं। तो ये तो रहे हमारे प्रस्तावना क्वेश्चन जो हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब बात करते हैं हम कि इसके नीचे क्या लिखा जाएगा। तो इसके नीचे एक लास्ट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन में हमें ये बोलना है या लिखना है, राइट डाउन करना है कि बच्चों आज हम मुद्रा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब प्रस्तावना कौशल के अपने क्वेश्चन बन जाते हैं तो उसके बाद क्या करना होता है। तो उसके बाद हमें जाना होता है इसके 3 टीचिंग पॉइंट के ऊपर। तो हम चलेंगे इनके 3 टीचिंग पॉइंट्स के ऊपर, और तीनों टीचिंग पॉइंट को लेने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे कि पहला टीचिंग पॉइंट क्या बनेगा आपका, दूसरा टीचिंग पॉइंट क्या बनेगा और तीसरा क्या बनेगा। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। हमारा जो मुद्रा के ऊपर जो पहला टीचिंग पॉइंट बनेगा वो बनेगा मुद्रा की परिभाषा। हमारा नेक्स्ट सेकंड टीचिंग पॉइंट बनेगा वो बनेगा मुद्रा के कार्य, और तीसरा जो हमारा टीचिंग पॉइंट बनेगा वो बनेगा मुद्रा के प्रकार। लेकिन आपको बहुत शॉर्ट में लेना है क्योंकि आपको विद इन हाफ एन आवर के अंदर आपका पूरा लेसन प्लान कंप्लीट करना होता है। तो टॉपिक को बहुत ज़्यादा बढ़ाना लेते हुए हम टॉपिक को यहीं तक ख़त्म कर देंगे। और अब जो 3 टीचिंग प्लान हमने लिए हैं, सबसे पहले मुद्रा की परिभाषा, दूसरा मुद्रा के कार्य और तीसरा मुद्रा के प्रकार। तो पहले टीचिंग पॉइंट को डिस्कस करते हुए उसका प्रस्तुतिकरण कर लीजिएगा आप, और उसको आप डिस्कस करिएगा। तो जब पहले टीचिंग पॉइंट को आप डिस्कस करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मुद्रा की परिभाषा के साथ इसको स्टार्ट करना है। तो उस पर भी अगर आप चाहें तो पहले बच्चों से क्वेश्चन ले सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चों हम मुद्रा को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों का आंसर आ जाएगा मैम हम मुद्रा को अंग्रेजी के अंदर मनी के नाम से जानते हैं। देन आप सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मनी को और इटालियन लैंग्वेज में या फ्रेंच लैंग्वेज में और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर भी बच्चे दे पाएंगे। और अगर नहीं दे पाते हैं तो यहीं से आप अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर सकते हैं और बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो 5 मिनट की डिस्कशन होती है ये, जिस पर आप बच्चों को बताओगे कि मुद्रा को अंग्रेजी में मनी के नाम से जाना जाता है, और ये मोनेटा शब्द से बना हुआ था, और यहीं से फिर मुद्रा की परिभाषा बन गई। और मुद्रा एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा वस्तुएं और खरीदी और बेची जाती है, और जिसे नॉर्मली सभी व्यक्ति क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की मुद्रा क्या है।
तो भारत की मुद्रा रुपया है और उसको इसका साइन या प्रतीक क्या है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक कि मुद्रा की परिभाषा क्या रहेगी। सेकंड टॉपिक होता है मुद्रा के कार्य, जो आपको 12th की बुक में इजीली मिल जाएंगे आपको। और मुद्रा के कार्य दे रखा है कुछ चैप्टर नंबर 16 या 17 में, और उसमें मुद्रा के कार्य बता रखे हैं चार कुछ। पहला है आपके प्राथमिक कार्य, दूसरा है उसके सहायक कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य और चौथा अन्य कार्यों के रूप में कुछ बता रखा है, जिसमें सबसे पहले मेन जो कार्य होते हैं उन दो को आप डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लेसन प्लान का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे मेन मीडियम ऑफ जो होता है या इसका विनिमय का माध्यम जो होता है उसके माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो मुद्रा का सबसे पहला कार्य जो होता है वो होता है विनिमय का माध्यम, और दूसरा होता है मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम मतलब लेन देन का माध्यम यही होता है, जो भी लेन देन होता है वो इसी के माध्यम से किया जा सकता है। और दूसरा मूल्य का मापक मतलब कि हम जो भी वस्तु खरीदेंगे तो उसको किस में मेजर करेंगे, मूल्य के रूप में मेजर करेंगे। इवन मैं कहूँ कि भाई आपने ये बुक कितने रुपए में ली, तो आपका आंसर आएगा मैम 25 रुपीज़ या 30 या जो भी आपका आंसर आएगा। तो सीधी सीधी बात है, जब भी किसी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर चेक करनी होती है तो उसको मनी में ही चेक किया जाता है और मनी के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये आपका सेकंड टॉपिक रहेगा मुद्रा के कार्य। फिर एक लास्ट और थर्ड टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा मुद्रा के प्रकार। तो वैसे तो मुद्रा के बहुत सारे प्रकार दे रखे हैं, आप नॉर्मली प्रकार के नाम लिखते हुए कुछ नॉर्मल जो प्रकार उनको डिस्कस कर सकते हैं। उसमें सबसे नॉर्मल प्रकार जो होता है वो होता है पेपर करेंसी। पेपर करेंसी इवन आपने देख ही रखी है, इंडिया के अंदर पेपर करेंसी चलती है, और पेपर करेंसी के अंदर नोट मतलब करेंसी में नोट और सिक्के आते हैं, और पेपर करेंसी के अंदर नोट जितने भी होते हैं वो सारे किस में इंक्लूड किए जाते हैं, पेपर करेंसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और आज हमने आपके साथ डिस्कस किया था बीएड लेसन प्लान इकोनॉमिक्स के ऊपर और बीएस के ऊपर। तो आप में से जो भी इकोनॉमिक्स और बीएस या कॉमर्स के साथ हैं वो मुद्रा के टॉपिक के साथ जा सकते हैं और मुद्रा के टॉपिक के ऊपर अपना लेसन प्लान दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम एक नए और टॉपिक के साथ मिलेंगे और किसी एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। और इनकी फ़ोटोज़ मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए और उसको मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लूँगी। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी कमेंट हैं मुझे बताइए, आपको और कुछ क्वेरी है अगर तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट और किसके ऊपर चाहिए लेसन प्लान से लेकर और भी कोई अगर टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।